बुलबुल और वर्णिका का होगा सौदा, भेजा जाएगा देश से बाहर। बुलबुल ने चुपके से सुनी देशद्रोहियों की बातें। वीर ने लगाया अंदाजा, बुलबुल और वर्णिका को किसी भी कीमत में बाहर निकाल लेने का लिया फैसला। जी हां, दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी शो मेरा बालम थानेदार की, जिसका आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, जहां शो के अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से बुलबुल के सामने ही कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि अब दूसरे लोट में लड़कियां भेजी जाएगी, जहां पर 10 लड़कियों को भेजने की बातें चल रही है। यहां पर उस महिला का कहना है कि उसने कई सारी लड़कियों को विदेश भेजा है और इस लोट की लड़कियाँ भी तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ बुलबुल ये सारी बातें सुनकर काफी बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। डर के मारे बुलबुल के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। बुलबुल सब कुछ समझ चुकी है कि जल्द ही अब बुलबुल और वर्णिका का भी सौदा होने वाला है, उन्हें भी विदेश भेजा जा सकता है। और ऐसे में बुलबुल वीर तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती है, जहां पर बुलबुल को उसी रेस्टोरेंट और कैफे के कुछ डब्बे दिखाई पड़ते हैं जिसके बारे में बुलबुल ने वीर को बताया था। और ऐसे में बुलबुल के मन में एक नई खुरापात जन्म ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ वीर को भी एक बड़ा सुराग मिल चुका है। वीर को अंदेशा हो चुका है कि बुलबुल किसी बड़ी मुसीबत में है, और ऐसे में वीर भी खुद से वादा करते हुए नजर आ रहा है कि वो किसी भी हाल में जल्द से जल्द बुलबुल और वर्णिका को रतन के गिरोह से आजाद करा लेगा। वेल, अब देखना होगा काफी दिलचस्प कि आखिरकार वीर अपना ये वादा कैसे करेगा पूरा। हमें कॉमेंट के जरिए अपनी राय जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।